को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। तो भैया 8.5 लाख रुपए अगर आपको कोई गाड़ी में लगाने हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाते हैं भाई? बलेनो आ जाती है आपके पास, स्विफ्ट आ जाती है, स्विफ्ट का VXI वगैरह मॉडल आ जाता है। लेकिन यार वहीं पर ही अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्रॉन्जे आप 8.5 लाख रुपए में जो है ओन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बेटर डिज़ाइन मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और साथ ही आपको जो है पूरा एक प्रीमियमनेस वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आपके पास जो है एक ऑप्शन आ जाता है फ्रॉन्स। हाँ तो भैया आपने सही सुना, ये है फ्रॉन्स का सिग्मा मॉडल और इसकी कुछ ऐसी चाबी है, ऐसी कुछ आपको इसके अंदर चाबी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको जो लॉक अनलॉक वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो अपन करते हैं इसको अनलॉक और देखते हैं सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर क्या देखने को मिलता है। देखो गाड़ी के अंदर जो है आपको इसके अंदर 2 इंजन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि सिग्मा मॉडल ये है, सिग्मा मॉडल के अंदर आपको जो है एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 1200 cc का नेचुरल एस्पिरेटेड जो कि प्रोड्यूस करता है 90 हॉर्स पावर। और देखो भैया अगर फ्रंट की बात करें ना, तो देखो बेस मॉडल के अंदर ही आपको यहाँ पर जो है क्रोम वगैरह देखने को मिल गया, क्रोम के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल गए, नीचे आपको जो है एक बढ़िया डुअल टोन के अंदर एक सिल्वर फिनिश का गार्निश नीचे की तरफ देखने को मिल गया, जो कि इसको काफी ज्यादा बोल्ड लुक जो है ना यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। हालांकि उसके साथ ही बात करूँ तो गाड़ी को फ्रंट से देख के कोई नहीं बता पाएगा कि गाड़ी बेस मॉडल है। बेस मॉडल कहाँ से पता चलेगा? जब आप आ जाओगे यहाँ पर ये जो आपके जो ये ORVM वगैरह हैं, ये आपको ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ये आपको जो हैंडल्स हैं, ये डोर हैंडल्स जो है आपको इसके अंदर ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भैया अगर आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, तो आप लगभग ये जो है 20-25-30 हज़ार रुपये के अंदर इसको चेंज करा सकते हो, लगभग आपकी 8.5 लाख रुपये की गाड़ी हो गई, ऑन रोड बता रहा हूँ मैं ये, और 8.5 लाख रुपये की गाड़ी के अंदर आप 30 हज़ार रुपये लगाओगे तो 30 हज़ार रुपये के अंदर आपकी जो ORVM वगैरह हैं ये सब आप जो है इस तरीके करा सकते हो। तो भाई यार क्या बुरी बात है यार उसके अंदर, आप एक बात बताओ। यहाँ की अगर बात करें तो इधर जो है आपको ब्लैक फिनिश देखने को नहीं मिलती है, जो आपको और इससे ऊपर वाले मॉडल में डेल्टा वगैरह के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यार ये चीज़ भी आप करा सकते हो, लगभग 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा कराने के बाद ये जो गाड़ी है ना, मतलब बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है निकल के आ सकता है। मतलब बलेनो चलाते चलाते बोर हो गए भाई, बलेनो इतने टाइम से अपन देख रहे हैं, स्विफ्ट अपन इतने टाइम से देख रहे हैं, और 8.5 लाख रुपये भाई आज के टाइम पर आता ही क्या है यार। आप देखो यहाँ पर जो है आपको नेक्सा की बैजिंग मिल जाती है, मतलब नेक्सा मारुति का वो ब्रांड है जो थोड़ी बहुत प्रीमियम गाड़ी आपको ऑफर करता है। यहाँ पर भैया आपको एक चीज़ बताऊँ, बेस मॉडल के अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको बढ़िया सा यहाँ पर डिफॉगर देखने को मिल जाता है, वाइपर आपको जेटा मॉडल से देखने को मिलता है, तो वाइपर भी आपको हालांकि देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपको वही पीछे का अगर लुक की बात बताऊँ, कहाँ से लगता है ये बेस मॉडल भाई? बेस मॉडल बस इस गाड़ी को वो बताता है, बस यहाँ पर ही जो आपको ये डोर हैंडल देखने को मिल रहे हैं, ये आपको बॉडी कलर देखने को नहीं मिल रहे, बाकी भाई इतना कोई मैटर करती नहीं है चीज़ें, तो क्रोम लगा लोगे आप इसके ऊपर तो भी कहीं से पता नहीं चलेगा। उसी के अलावा यहाँ पर आपको जो है शार्क फिन एंटीना देखने को मिल रहा है भाई, बेस मॉडल के अंदर दे दिया, कितनी गजब बात हो गई। उसी के अलावा यहाँ पर आपको जो रूफ रेल देखने को मिलती है ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलती है, हालांकि इससे कोई इतना कोई मेजर फर्क पड़ता है नहीं। अब खोलते हैं इसका बूट, यहाँ पर जैसे आप बूट खोलोगे इसको सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा, अनलॉक करने के बाद इसका बूट खोलते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर आपको जो है इतना बड़ा बढ़िया सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, उसी के साथ आपको स्टील ट्रे यहाँ पर देखने को मिल जाता है, स्टेपनी वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं है, जो आप पार्सल ट्रे तो देखो वैसे भी लगवा सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। करते हैं इसको यहाँ से बंद अपन और आपको दिखाता हूँ गाड़ी अंदर चल के, या देखो पीछे से एक बार लुक ले लो, यहाँ पर भी आपको पियानो फिनिश देखने को मिल जाता है। तो मतलब यार ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बेस मॉडल है तो बहुत ही ज़्यादा भद्दी लग रही है, ज़्यादातर अगर बेस मॉडल का नाम आता है ना तो वहाँ पे वो भद्दी भद्दा सा अपने दिमाग में वो याद आता है, यहाँ पर भाई हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रखी है। हालांकि अगर रियर लाइट की बात करूँ तो रियर लाइट का लुक भी जो है ना भाई कितना प्यारा यहाँ पर देखने में लगता है, और एक बार आप इसका इंडिकेटर देखो भाई कितने प्यारे इंडिकेटर इसके अंदर देख रखे हैं, आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। हालांकि टायर की बात करूँ तो गुडियर के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको डेल्टा मॉडल के अंदर टायर देखने को मिलते हैं सेम वही टायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, सेम प्रोफाइल के साथ 195/60R16, मतलब ये टॉप मॉडल के अंदर भी सेम यही टायर साइज देखने को मिलती है, बेस मॉडल में भी सेम यही टायर साइज देखने को मिलती है, हालांकि टॉप मॉडल के अंदर जो अलॉय आ जाता है इसके अंदर आपको स्टील रिम देखने को मिल जाते हैं और साथ में व्हील कवर भी जो है मारुति वाला बढ़िया देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में पूरी आपको नीचे की तरफ ये जो गार्निश ऑल ओवर गाड़ी के अंदर चल रही है, ये आपको थोड़ा सा एक प्रीमियम एक थोड़ा सा बोल्ड लुक गाड़ी का जो है ऑफर कर देती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। हालांकि आप गाड़ी को जैसे अपन करते हैं अनलॉक, यार भाई बार बार इसको अनलॉक करना पड़ता है, बार बार लॉक हो जाती है। गेट खोला, गेट खोलने के बाद में भैया यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, आपको बढ़िया फैब्रिक देखने को मिल रहा है, चारों पावर विंडो बेस मॉडल के अंदर 8.5 लाख रुपए में भाई गजब कर दिया मारुति ने यार। यहाँ पर आपको वही ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा फेक कार्बन फाइबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस सीट को करते हैं पीछे, बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आए हाय हाय क्या बात है, और न्यूट्रल करने के बाद एक बार आपको स्टार्ट करके बताता हूँ, और हाय हाय ये देखो ऑटोमेटिक एसी भैया बेस मॉडल के अंदर, सो ये देख रहे हो विनोद। यहाँ पर अगर बात करें स्पीड मीटर की,
तो स्पीड मीटर के अंदर आपको MID देखने को मिल जाती है बढ़िया सी, जो कि आपको फ्यूल इंडिकेटर बता देती है और आपको टेम्परेचर कंट्रोल बता देती है। गाड़ी 8 किलोमीटर चली हुई है मात्र, उसके अलावा आपको और क्या फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। एवरेज यहाँ पर पता लग जाता है गाड़ी का, यहाँ पर रेंज गाड़ी की पता लग जाती है किलोमीटर लीटर, मतलब इंस्टेंट एवरेज आपको पता लग जाता है। उसके अलावा यहाँ से आप ट्रिप वगैरह जो है अपनी सेट कर सकते हो। भाई टैकोमीटर हो गया, ऑडोमीटर अपना हो गया, यहाँ पर आपको जो है कार्बन फाइबर का थोड़ा बहुत जो डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल गया, उसी के साथ में यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन देख रखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का मतलब ये नहीं कि भाई पुश बटन स्टार्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि गाड़ी आपकी आइडल कंडीशन में अगर खड़ी है, ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़ी है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है उस टाइम पे इंजन बंद कर लेगी और उसके अंदर जैसे आप क्लच दबाओगे तो गाड़ी क्लच से वापस से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल रही है, यहाँ पर बोनट खोल सकते हो आप, बोनट अभी आपको आगे से दिखाऊंगा, यहाँ से आप फ्यूल लिड खोल सकते हो। उसके अलावा बॉटल होल्डर है, चारों पावर विंडो गाड़ी के अंदर है। यहाँ पर ORVM सेट करने के लिए आपको कोई भी बटन वगैरह देखने को नहीं मिलता जो आप बाहर से सेट कर सकते हो। हालांकि कोई डंडी वगैरह भी नहीं है यार, ये तो देखो एक चीज़ गलत कर दी मारुति ने यहाँ पे भैया, ये तो होना चाहिए गाड़ी के अंदर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसी के अलावा आपको यहाँ पर बढ़िया रेस वगैरह के पैडल देखने को मिल जाते हैं काब, और एक चीज़ आपको बताऊँ, वाह भाई वाह, मतलब आपका पैर रेस्ट देने के लिए आपको गाड़ी चलाते चलाते आप थक गए तो आप आराम से यहाँ पर आराम से पैर रख के और इधर रेस दे के आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हो। मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम मारुति ने यहाँ पे किया है भाई, ये तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था मारुति से यहाँ पे। हालांकि इसके अंदर आपको स्पीकर वगैरह कोई भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्पीकर की आपको स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आपको MID वगैरह नहीं है, ये भी आप 10-15 हज़ार रुपये के अंदर आराम से ये भी आपको जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, जो कि आप आराम से 10-15 हज़ार रुपये के अंदर बाहर से बढ़िया क्वालिटी यहाँ पर लगा सकते हो। कार्बन फाइबर आपको फिनिश यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भैया गजब कर दिया मारुति ने भाई गजब, मतलब ये एक ऐसी चीज है, स्क्रीन तो भाई जो है ना आपकी बाहर से लग जाएगी देखो, लेकिन यार ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बाहर से नहीं लग सकता, तो ये चीज जो है बहुत ही बढ़िया चीज कर दी मारुति ने। और वही मतलब जो आपको ऊपर वाले मॉडल में फील मिलता है वही सिल्वर फिनिश यहाँ पर, वही आपको जो है थोड़ा सा गोल्डन टाइप का टच यहाँ पर, वही आपको यहाँ पर बढ़िया ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है, वही सारा स्पेस वगैरह का मामला सब कुछ, पावर विंडो आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ वही हो जाती है। यहाँ पर आपको जो है मिरर देखने को हालांकि नहीं मिलता, गाड़ी के अंदर आपको जो है 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छी चीज़ है, और बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पर आपको सीट्स देखने को भी मिल जाती है। उसी के अलावा यहाँ पर आप भी आपको कुछ देखने को मिलता है, ऊपर वाला मॉडल उसके अंदर यहाँ पर आपको मिरर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है ना तो ऑटो डिमिंग ORVM देखने को मिलता है ना मैनुअली आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर वही आपको नॉर्मल वाला देखने को मिलता है जो आपका अगर कोई पीछे से लाइट वगैरह पड़ेगी तो आपकी आंखों में आएगी। बाकी भाई अगर बात करूँ ना तो भाई ये कहीं से भी बेस मॉडल नहीं लग रहा, मतलब कहीं से भी बेस मॉडल तो कहीं से भी नहीं लग रहा भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम टच यहाँ तक भी आ रहा है। हालांकि आजकल तो भाई लगभग आप अगर बात करें 50-60 हज़ार रुपये अगर आप इस गाड़ी के अंदर लगाने को तैयार है ना, तो 8.5 लाख रुपये में लेके गाड़ी आप 9 लाख रुपये के अंदर उसको पूरा टॉप मॉडल बना सकते हैं। जो गाड़ी 10.5 लाख रुपये की आती है वो आप इसको 9 लाख रुपये के अंदर बना के 1.5 लाख रुपये अपने बचा सकते हैं आराम से। तो भाई ये जो गाड़ी फील दे रही है ना बहुत ही गजब का दे रही है, हैंडब्रेक वगैरह मिल रहा है, गियर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं सारे, और कहीं से भी ऐसा कुछ चीज़ आपको नहीं लग रही कि यार कोई बेस मॉडल लग रहा हो, बस ये आप स्क्रीन लगवा लो। उसके अलावा गाड़ी के अंदर ये बस बटन वगैरह की जो कमी है ये इंफोटेनमेंट, क्योंकि स्क्रीन लगेगी तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह की जो बटन वगैरह भी ये सब बाहर से आराम से फिट करवा सकते हो। तो यार ये वाला जो मज़ा है ना मारुति बेस मॉडल के अंदर, ये आजकल जो टॉप मॉडल वाले मज़े दे रही है ना, ये भाई काबिले तारीफ हो जाता है। इसको करते हैं गाड़ी को यहाँ से बंद, गेट खोलते हैं, गेट खोल के चलते हैं अपन एक बार, इसका पीछे रियर आपको दिखाता हूँ गाड़ी का, आगे से दिखा दी भाई, पीछे से भी तो दिखानी बनती है ना आपको। तो देखो यहाँ पर वही फैब्रिक है, वही आपको पावर विंडो के कंट्रोल हैं, वही आपको बढ़िया सी स्पेस है, 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर स्पेस भरपूर मात्रा से मिलती है, मतलब आपको बलेनो से आप एक मॉडल अगर ऊपर स्विच हो रहे हो ना तो एक रीज़न की वजह से हो रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको जो यहाँ पर बेटर स्पेस मिल रहा है, रियर सीट दो कितनी बढ़िया जो है आपको बेटर इसके अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि मारुति ने यहाँ पर अपडेट कर दिया, प्राइस हाइक वगैरह नहीं करा, लेकिन यहाँ पर ये अपडेट ही हो गया कि आपको सेंटर वाला भी जो है एक इसका ये देखने को मिल गया, ये जो है अपना सीट बेल्ट का ऑप्शन, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। हालांकि कोई पार्सल ट्रे अगर आप यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आपको लाइट देखने मिलती है भाई, बेस मॉडल के अंदर आपको बीच में लाइट देखने मिलती है, फ्रंट के अंदर कोई भी लाइट वगैरह देखने को आपको नहीं मिलती। उसी के अलावा यहाँ पर करते हैं गेट को बंद, खोलते हैं गाड़ी का बोनट, बोनट खोल के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जैसे आपने बोनट खोला, ये जैसे आप बोनट खोला हो भाई साहब भारी बोनट है, और यहाँ पर भाई 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखो कौन बोलता है मारुति कॉस्ट कटिंग करता है, ये देखो,
यहाँ पर बढ़िया इंसुलेशन आपको देखने को मिलती है जिससे गाड़ी की भार आवाज वगैरह ना आए, और NVH का बहुत ज्यादा यहाँ पर गाड़ी का ध्यान रखा गया। उसके अलावा देखो नीचे भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, नीचे की तरफ भी जो है पूरा शेड वगैरह मारुति ने यहाँ पे लगाया जिससे पानी डस्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पर आके इंजन वगैरह को आपको खराब ना करे। हालांकि ऊपर से इंजन कवर नहीं है लेकिन फिर भी नीचे से पूरी गाड़ी अच्छी तरीके से कवर है। ऊपर से वैसे भी देखो आपको हुड देखने को मिलता ही है और नीचे से भी कवर है, तो इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी भाई 1.2 लीटर का इंजन है, 90 हॉर्स पावर जो है प्रोड्यूस करता है। करते हैं गाड़ी का बोनट बंद, ऐसा कुछ आपको फ्रंट का कुछ यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। मुझे ऑल ओवर गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रॉन्स गाड़ी ऐसी है भाई, एक तरीके से अगर बात करें ना तो बलिनो से थोड़ा सा एक ऊपर का सेगमेंट आप मान सकते हो, 40-50 हज़ार रुपये थोड़े बलिनो से ज़्यादा दो, लेकिन आपको फीचर्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। पर जो प्रीमियमनेस हो जाती है ना गाड़ी के अंदर यार, एक थोड़ी एक ऊपर लेवल की गाड़ी हो गई। कहाँ तो आप i20 लेने जाओ और आप वेन्यू ले आओ, बस एक वो वाली बात यहाँ पर हो गई। आप थोड़े बहुत 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो पर आप एक सेगमेंट ऊपर कर रहे हो जिसमें आपको जो फील और आपको जो है स्पेस फील वगैरह के मामले में थोड़ी एक ऊपर की लेवल की गाड़ी आपको देखने को मिल रही है। तो ये थी अपनी मारुति सुजुकी फ्रॉन्स सिग्मा मॉडल, बेस मॉडल है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।